कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रहे गाजीपुर के लिए एक ऐसी खबर सामने आई है जो राहत देने वाली है। दरअसल गाजीपुर का एक अस्पताल कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए भगवान का रूप बनकर सामने आया है। अब तक इस अस्पताल से 50 कोरोना संक्रमित ठीक होकर घर भेजे जा चुके हैं। हम बात कर रहे हैं शहीद स्मारक राजकीय महाविद्यालय मोहम्मदाबाद में बने कोविड-19 लेवल 1 अस्पताल का। यहाँ कोरोना पॉजिटिव 36 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें घर भेजा गया। इससे पहले भी यहाँ से 14 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। मालूम हो कि इस अस्पताल में अभी तक कुल 90 कोरोना मरीजों को भर्ती कराया गया था, जिनमें से 50 की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। गुरुवार को यहाँ से स्वस्थ हुए लोगों को बिस्किट और टॉफी देकर घर भेजा गया। उनके ऊपर फूलों की बारिश भी की गई। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने से लोग काफी खुश दिखे। उन्होंने गाजीपुर स्वास्थ्य विभाग, अस्पताल प्रबंधन, सरकार सबको शुक्रिया कहा। स्वास्थ्य अधिकारियों ने स्वस्थ हो चुके लोगों से कहा कि उन्हें घरों में जाकर भी एक सप्ताह तक क्वारंटाइन रहना होगा। आइए सुनते हैं इस बाबत CMO GC मौर्य क्या कह रहे हैं। बहुत ही बढ़िया काम किया है और आज यहाँ से 36 मरीज स्वस्थ होकर के जिनका रिपोर्ट निगेटिव आया है छुट्टी किया जा रहा है। सबको एम्बुलेंस के माध्यम से उनके गाँव घर तक हम लोग भेज रहे हैं। बच्चों से लेकर के सब कुछ, नाश्ते का, खाने पीने का सब सामान दे रहे हैं। और इसमें विशेष रूप से मैं ये कहूँगा कि हमारे अधीक्षक ने बहुत ही उच्च गुणवत्ता का भोजन दिया, रहने की व्यवस्था दी, खाना पानी चद्दर और पीने के पानी से लेकर सब कुछ बहुत बढ़िया दिया और 100% रिकवरी रहे। जाहिर सी बात है कि बहुत सारे मरीज जो है यहाँ से रिलीज हो रहे हैं, तो वो भी काफ़ी तारीफ बताए आपके स्टाफ के लेके सभी लोगों की। फिलहाल अब स्थिति क्या रहेगी सर, कितने मरीज अब बचे रहेंगे? अब बचे हमारे पास यहाँ 40 मरीज हैं और 2 मरीज BHU में हैं। और हम जो BHU में मरीज हैं उनसे हम डेली उनका हाल चाल लेते हैं, चिकित्सा अधीक्षक साहब से भी बात होती है, उनको वर्तमान में कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोगों का प्रयास भी ये है कि डेली हम लोग 250 सैंपल करवाएंगे और मैक्सिमम लोग जो भी पॉजिटिव आते हैं उनको अगर हम लोग इस अस्पताल में भर्ती करके और अच्छी से अच्छी सुविधाएं दें कि लोग 100% रिकवर होकर के अपने घर को जाएं। सर यहाँ पर जो मरीज है उनको किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, कि वो निगेटिव होते हैं या किस तरह परीक्षण करना पड़ता है इन लोगों को? परीक्षण का मतलब एक सामान्य मरीज जिस तरह से है वो, बाकी ये वायरस बहुत ही कमजोर वायरस है, यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हम एंटीबायोटिक देते हैं, पैरासीटामॉल टेबलेट देते हैं, सेट्रिजिन देते हैं, एसीलॉग देते हैं, सामान्य जो औषधियाँ हम दे रहे हैं उन्हीं से ये लोग ठीक हो रहे हैं। और बॉडी इम्यूनिटी इन लोगों की बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया है और ये मेहनत लोग करने वाले लोग हैं और हमारे चिकित्सकों की मेहनत और हमारे जिला प्रशासन की मेहनत, इन सब का बहुत बड़ा योगदान है। आज ये यहाँ से जब रिलीज हो रहे हैं तो अपने घर जाने के बाद कितना फिर क्वारंटाइन रहना पड़ेगा? उनको 7 दिन के लिए क्वारंटाइन रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रहना है, मास्क का प्रयोग करना है, हाथ हमेशा साफ सुथरा रखना है, किसी से हाथ नहीं मिलाना है। इन चीज़ों का भविष्य में हमेशा इनको, इनसे कहा भी गया है, एक शपथ पत्र भी भरा गया है। और हमारी निगरानी समिति जो गाँव में बनी हुई है, आशा आंगनबाड़ी और पंचायत कर्मी की, वो सतत इनकी निगरानी देख भी रहे हैं। और विशेष रूप से मैं देखूंगा कि यहाँ काशमाबाद का क्षेत्र एक है, ग्राम प्रधान जी हैं सुरवत के, तो उनके द्वारा भी काफ़ी प्रयास किया गया है। उन्होंने भी काफ़ी परिश्रम करके लोगों को वहाँ से ले आकर के सैंपलिंग करवाए हैं और उसके बाद जो स्वस्थ हैं उनको आदर के साथ ले आ जाने के लिए प्रधान जी स्वयं ही। आपको बता दें कि अब तक गाजीपुर में कुल 167 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से कुल 124 की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। अब गाजीपुर में केवल 42 एक्टिव केसेस रह गए हैं। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी GC मौर्य, उप जिलाधिकारी राजेश कुमार गुप्ता, CHC के अधीक्षक डॉक्टर आशीष राय, कोतवाल आशीष नाथ सिंह समेत अन्य लोग मौजूद रहे। गाजीपुर की ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।